खेल मंत्री अशोक चांदना का जन्मदिन गुरुवार को चर्चा में रहा, मगर उनके जन्मदिन की चर्चा की वजह से वे खुद नहीं बल्कि सचिन पायलट का ट्वीट। दरअसल गुरुवार को अशोक चांदना का 39वां जन्मदिन था। सचिन पायलट ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। पायलट ने बड़े ही संजीदा अंदाज में उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बस फिर क्या था, राजनीतिक गलियारों में पायलट का ट्वीट चर्चा का विषय बन गया। पायलट के ट्वीट पर चर्चा इसलिए हुई क्योंकि पिछले दिनों अशोक चांदना ने बड़े ही मुखर अंदाज में पायलट को लेकर ट्वीट किया था। इस ट्वीट के बाद अशोक चांदना पर पायलट खेमा हमलावर हुआ था, मगर उसके ठीक एक महीने बाद पायलट ने चांदना को जन्मदिन की बधाई दी। पायलट ने अपने ट्वीट में चांदना को बधाई देते हुए लिखा कि मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। आपको बता दें कि पिछले महीने 12 सितंबर को पुष्कर में हुई गुर्जर समाज की सभा में अशोक चांदना का विरोध हो गया था। उनके सामने जूते भी फेंके गए। इस पर चांदना ने देर रात पायलट को सीधा टारगेट करते हुए ट्वीट किया था कि मुझ पर जूता फेंकवा कर सचिन पायलट यदि मुख्यमंत्री बन जाए तो जल्दी से बन जाए, क्योंकि आज मेरा लड़ने का मन नहीं है। जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया तो फिर एक ही बचेगा और मैं यह चाहता नहीं हूँ। चांदना के इस ट्वीट पर पायलट समर्थकों ने भारी विरोध जताया था। चांदना के पुराने ट्वीट के बाद पायलट और चांदना में मनमुटाव साफ तौर पर सामने आ गया था। हालांकि चांदना के ट्वीट पर पायलट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, मगर अब पायलट के ट्वीट के बाद मनमुटाव खत्म होता नजर आ रहा है। वहीं अब चांदना के लिए इस तरह के ट्वीट के बाद कुछ लोगों का मानना है कि राजस्थान में स्थितियां बदल रही हैं। कई राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नेताओं के बीच मनमुटाव खत्म करने का प्रयास भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पीढ़।